हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं स्वराज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको वायर को प्रॉपर जॉइंट करने का तरीका दिखाऊंगा, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरा तीन तरीका दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर जॉइंट करने के लिए आपको आपका जो वायर है उसको 1.5 से 2 इंच तक आपको छीलना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा लंबा अगर छिलोगे तो आपको अगर जॉइंट करोगे तो जॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से काम मतलब जॉइंट हो पाएगा। तो इसलिए देखिए मैं 2 वायर ले लिया हूँ, 2 वायर को मैं 1.5 से मतलब लगभग 2 इंच तक मैं इसको कट दिया हूँ। कट करके उसको स्ट्रिपर की मदद से मैं छिल दिया हूँ। छिलने के बाद इसको मैं जॉइंट करूँगा। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1। तो इसको जो जॉइंट करने के लिए आपको लगभग बीच में लाना है वायर का। बीच में लाने के बाद कौन सा भी एक वायर को आपको मोड़ना है। मैं लेफ्ट साइड का जो मोड़ लिया जस्ट एक राउंड आपको मोड़ना है। मोड़ने के बाद जो लेफ्ट साइड का जो वायर जिसको मैंने मोड़ा हूँ उसको राइट साइड की ओर अब मुझे मोड़ते हुए ले जाना है। और जो मेरा राइट साइड का है उसको मुझे लेफ्ट साइड में, मैं अभी साइड में रख देता हूँ। जो मेरा लेफ्ट साइड का था उसको मैं मोड़ते हुए राइट साइड की ओर ले जाऊँगा। तो देख सकते हो। तो अभी जो मेरा जो राइट साइड मतलब जो ये रहा, मैं इसको क्या करूँगा, राइट साइड वाला था, मैं इसको लेफ्ट साइड की ओर मोड़ते हुए ले जाऊँगा। तो अभी मेरा जो वायर है ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसको मैं अगर खींचूँगा तो भी ये कुछ नहीं होगा। जहाँ पर हैवी लोड है मतलब जहाँ पर वायर के ऊपर ही टिका हुआ रहता है, देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। ये है मेरा स्टेप नंबर 1। तो मैं इसको खींच कर भी आपको दिखा दूँगा, ये टूटेगा भी नहीं। तो मैं आप जोर लगा कर मैं आपको खींच कर दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो ये नहीं टूट रहा है। तो देख सकते हो ये नहीं टूट रहा। अभी मेरा स्टेप नंबर 2। तो देख सकते हो स्टेप नंबर 2 पे मैं आपको क्या करना है, उस सेम उसी तरह 1.5 से 2 इंच तक छिल लेना है। छिलने के बाद आपका जो वायर है, दोनों वायर है, वायर में आपको 50-50 मतलब आधा आधा कर लेना है, कुछ इस तरीके से। आधा आधा करने के बाद आपको कौन सा भी है कुछ इस तरीके से आपको दोनों को आपस में जॉइंट करना है, कुछ इस तरीके से। दोनों वायर का आधा आधा करने के बाद एक दूसरे को आपस में इस तरीके से जॉइंट करना है। सेम इस साइड में इस तरह जॉइंट करना है, सेम इसी तरह ही उस साइड पे भी जॉइंट करना है। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटे आएगा उसको ऑल पे सेट करके रखिए, कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देख सकते हो मैं दोनों वायर को कुछ इस तरीके से अभी मोड़ दूंगा, तो जो ये है हमारा डबल स्ट्रांग हो जाएगा। और जो स्टेप नंबर 3 है, जो 3 नंबर में है, वो इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देख सकते हो ये मेरा स्टेप 2 हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ खींच कर। ये देख सकते हो ये मेरा वायर नीचे मतलब वायर खिसक रहा है, लेकिन ये जॉइंट जो है ये नहीं खुल रहा है। सो आप देख सकते हो अभी मैं स्टेप 3 आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप 3 के लिए सेम उसी तरह 1.5 से 2 इंच आप वायर को इस तरीके से छिल लीजिए। आप अगर ये मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ, आप अगर इस तरीके से जॉइंट करोगे तो आपका जॉइंट कभी नहीं मतलब ख़राब होने वाला। और मैं आपको हाथ के थ्रू ही आपको दिखा रहा हूँ, ना ही प्लास का यूज कर रहा हूँ और ना ही सोल्डिंग आयरन का। तब अगर इतना स्ट्रांग हो रहा है, अगर हम इससे प्लस से और भी टाइट करेंगे तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी स्टेप 3 के लिए ये 1 नंबर है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा, इससे ऊपर कोई और नहीं है। तो देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से दोनों को 2 इंच तक मैंने स्टिपर की मदद से छिल लिया हूँ। छिलने के बाद इसको मोड़ दिया हूँ। मोड़ने के बाद आपको एक वायर को कुछ इस तरीके से आपको मोड़ना है हाफ राउंड। तो आप देख सकते हो, अब मैं इसको राइट साइड की ओर मोड़ दिया हूँ। जो दूसरा वाला वायर है इसको हमें लेफ्ट साइड की ओर मोड़ना है, इसका अपोजिट साइड में कुछ इस तरीके से मोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो ये रहा मेरा हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों को, ये मेरा स्टेप 3 है, तो मैं इसको क्या करूँगा कुछ इस तरीके से वायर के अंदर इसको डाल दूँगा। डालने के बाद आपस में इस दोनों को, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया हूँ। मैं धीरे से इसको खींचूँगा, इसके अंदर डाल दिया वायर को। तो अब देख सकते हो धीरे से कुछ इस तरीके से मैं इसको खींचूँगा। खींचने के बाद जो मेरा 2 वायर है, ये देख सकते हो ये रहा, इस दोनों को मैं पकड़ कर खींचूँगा, ये टाइट हो जाएगा, गांठ की तरह हो जाएगा। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ये इसके अंदर एक वायर के अंदर एक गांठ पड़ चुका है, जो ये कभी नहीं खुलने वाला।
सब देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यह है मेरा स्टेप नंबर 3। और इसको मैं अगर सोल्डिंग कर दूंगा तो एक नंबर, मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं बोल भी नहीं सकता। तो अब देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मेरा जो 3 प्रॉपर तरीका वायर जॉइंट करने का मैं दिखा दिया हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। आपको अगर इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बगल में घंटे आएगा उस कॉल पे सेट करके रखिए। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।